सुबह सुबह के नाश्ते में जी अभी साग को एक दफा फिर से तड़का लगाया जा रहा है, और इस तरफ देखें जी अपनी चोपड़ी हुई रोटी मक्खन के साथ, और अभी ये साग बस इसके ऊपर रखना है और फिर खानी है मजे मजे से। ये साग गया जी रोटी के ऊपर। आयो वाशो जिन्हें जिन्हें नाश्ता करना है मेरी तरफ से खुली खुली दावत है जी सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी साथ मक्खन लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। गाड़ी जी मैं जैन भाई के घर नहीं खड़ी की थी, हमने उस दिन रात को लेट हो गए थे, तो मैं अपनी गली में ही ले आया था, यहाँ पे खड़ी कर दी ला के मैंने। और अभी आपको एक मजे की चीज मैं इसमें दिखाता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी गाड़ी का नाम केविन रखा था, क्योंकि ये इसका कलर जो है वो येलो है। केविन जो है वो इसलिए रखा है नाम, ये भाई मदसर ने मुझे केविन ऑर्डर करके दिया था। ये परफ्यूम है, ये परफ्यूम भी है और साथ ही केविन भी है। तो इसको ऐसे ये जो दरमियान में शीशा है इस पे लटकाना है। पहले ये दूसरी वाली परफ्यूम उतार लेते। खूबसूरत लगेगी माशाल्लाह, खूबसूरत, वाह क्या बात है। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है जी माशाल्लाह। और गाड़ी के फ्रंट पे भी जो है वो दो आंखें लगेंगी, यहाँ पे आंखें लगेंगी, एक आंख यहाँ पे लगेगी, एक आंख यहाँ पे लगेगी, दो आंखें लगेंगी, तो फिर ये केविन जैसा दिखने लगेगी गाड़ी। वैसे तो मेरा भी इसका नाम बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे केविन जो है वो पसंद था, तो इस वजह से मैंने इसका नाम केविन रख दिया। इस तरफ देखें जी नन्हे मुन्ने बेबी को जी ताया जान ने बांध दिया हुआ, क्योंकि ये तंग करते हैं ना, बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, तो इनको ऐसे एक को इधर बांधा हुआ है, एक को इसको इधर बांधा हुआ है, एक को इधर बांधा हुआ है, ऐसे घुस जाते हैं, मतलब ये भाग जाते हैं। ये रास्ता तो यहाँ से खुला है, इधर से भाग जाते हैं आगे। ये ना होगा कहीं किसी ने उठा के कोई ले ही ना जाए, तो इस वजह से ताया जान ने इनको बांध के रखा है। इसकी मामा है ना, इसको भी तंग करते हैं ये बहुत, उसको भी तंग ना करें। इसको देखो जी धूप में कितने मजे आ रहे हैं लेटा हुआ कितने सुकून से, क्योंकि धूप लगती है ना फिर बहुत सुकून आता है जी इस तरफ देखे जी डॉन साहब आ रहे हैं, वाह किधर गए हुए थे, बैठे ही फिर फिर तुर रहे हो अभी सही हो गई है नजर, लेकिन उतनी रोशनी सही हो गई है नजर की, लेकिन सही हो गई अब यार। हल्का फुल्का फर्क है, वो तो रहना है, वो डॉक्टर साहब ने कहा था कि कुछ हद तक बेहतर हो जाएगी। अभी कल संडे है, तो परसों से जी अब्दुल्ला भाई स्कूल जाएंगे जी। हाय 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 क्या बात है। अभी जी मैं आया हूँ सर्विस स्टेशन पे, अपनी गाड़ी को जी वॉश करवाना है, अपने केविन को वॉश करवाना है। इस तरफ से देखें जी, ये भी देखे सारे टायर गंदे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें यहाँ से बम्पर हसनैन भाई ने तोड़ दिया। पहले तो यहाँ से पेंट उतरा हुआ था, यहाँ तक बम्पर टूट गया है। हसनैन भाई ने कल निकाली हुई थी तो नीचे लग गई, हसनैन भाई ने जोर लगाया और ये बम्पर टूट गया। मतलब कि जहाँ हमारे घर के बाहर जी एक नाली गुजरती है, तो नाली थोड़ी गहरी है ना, उसमें लगी गाड़ी को अभी चलाना नहीं आती ना, मतलब कि हल्की फुल्की चला लेता है, लेकिन उसने तोड़ दी। अपनी जितनी भी पीछे लाइफ गुजर गई है, इससे पहले मैं इतना कंफ्यूज और इतना मतलब कि नर्वस नहीं हुआ जितना आज हूँ। अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। वो इस वजह से रेडी मैं हो चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ये शर्ट जी जैन भाई ने मुझे गिफ्ट दी थी जकार्ता से, लेके आए थे वो, और ये जैकेट मैं उस दिन न्यू लेके आया था। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। नीचे जी आपका भाई एकदम परफेक्ट, मतलब के 10-4 हो गए, तो अभी बाहर जाने लगा है। अम्मी जान रेडी हो रही है, तो अबू जान भी रेडी हो गए हुए हैं मेरे ख्याल में, वो बाहर गए हैं। गाड़ी जी दलवा के मैं ले आया हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ जो हसनैन भाई ने नीचे से बम्पर जो है वो तोड़ा हुआ है, वो किस जगह से तोड़ा हुआ है। ये इस जगह पे देखें जी नाली का क्या बना हुआ है। ट्रैक्टर गुजरते हैं इस तरफ को, तो ये यहाँ से ये खराब हो गई हुई है, तो हसनैन भाई ने इसके अंदर से गुजारी। ये भी गड्ढा, इधर भी गड्ढा था, तो गाड़ी नीचे बैठी है, तो आगे बम्पर नीचे लग गया, फिर हसनैन भाई ने जोर लगाया, आगे से बम्पर जो है वो टूट गया। इस तरफ देखें जी माशाल्लाह अब्बू जान और मोहसन भाई रेडी होके खड़े हैं। हाँ जी अब जी माशाल्लाह अबू जान चेक करें जी एकदम रेडी, क्या खूबसूरत लग रहे हैं, कंट्रास्ट आला, थले नीचे ब्लैक शूज है अब जी, लेवल हो गया, सोने लग रहे हो माशाल्लाह। अम्मी जान भी रेडी होके आ चुकी हैं, और हमारी कजन सिस्टर भी रेडी होके आ चुकी हैं। गाड़ी में जी सब बैठ चुके हैं, तो अभी टाइम हुआ जाता है आपको बताने का कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हाँ जी अब जी दसो तो दसी तुम दसो अब जी माड़ी गल दसो तुम खुश होना चाहिए। अच्छा?
सारे जा रहे ने मेरा रिश्ता वेखण, बल्कि सारे मैं भी वेची जा रहा, मेरा ही रिश्ता वेखण जा रहे ने, तो मैं भी वेची जा रहा एज अ ड्राइवर, क्योंकि अम्मी जान कह रही थी कि तुमने साथ ही जाना है। मैंने कहा था कि मैं मुदस्सर भाई को भेज देता हूँ, वो आपको ले जाएंगे और आप वहाँ से रिश्ता देख के तो आ जाना। मतलब अपने ही हैं वो भी जिनके पास जा रहे हैं हम, मोहसिन भाई के रिश्तेदार हैं, मतलब कि मोहसिन भाई की जो वाइफ हैं तो उनके आगे रिश्तेदार हैं। तो अभी निकलते हैं, सियालकोट जाना है, सियालकोट के पास ही एक विलेज है, तो वहाँ पर जो ये रिश्ता देखने के लिए जाना है। तकरीबन आधा सफ़र हमने कर लिया है, आधा सफ़र रह गया है जी। ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है हमारे ख़ानदान में, हो सकता है कि लोग करते हों, ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं खुद जा रहा हूँ, मेरा ही जो है वो रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं और मैं खुद साथ जा रहा हूँ, लेकिन मैं एज अ ड्राइवर जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में ही रुकूँगा और अब्बू जान और बाकी सारे देख के आएंगे जी इंशाल्लाह। क्यों अब जी? अब्बू जान बहुत खुश हैं जी, जी तो अंदरों सा निकल रहा। हाँ जी हम जी कितने के खुश हो? बड़े खुश हम जी, थोड़े ना मैं भेजना ही ड्राइवर को ही ना घर जाए। अम्मी जान कह रहे हैं आप घर ना जाए, बाहर ही खड़ा रही हम जी। है फिर असरा बिस्ती है नहीं है मेरे, तुम रिश्ता वेखन जा रहे हो तो मैंने तुम बाहर खिलाड़ जाओगे, माड़ी गल है ना। अगर पसंद आ गई तो फिर कह रहे हैं जी घर ही ले जाएंगे हम, है उन्होंने खड़ना है जी, तुम्हें तो नहीं ना खड़ना। जाते हुए जी रास्ते में खड़े हुए हैं, यहाँ से थोड़ा फ्रूट लेके चलते हैं जी, क्योंकि उन्होंने जी खाने का अरेंज किया हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता बंदा फ्रूट लेके चलते हैं, साथ केले ले लेते हैं, माल्टे ले लेते हैं, थोड़े सेब ले लेते हैं। केला जो है वो भाई 250 की दो दर्जने दे रहे हैं और 150 रुपये दर्जन जो है वो माल्टा दे रहे हैं। सेबा का की रेट है 300 रुपये किलो, 1150 रुपये का ये फ्रूट मिल चुका है, 2 किलो सेब, 2 किलो 2 किलो माल्टे और 2 दर्जन केला लिया है जी। अब जी जो तुम्हें विवाह किया ही, तुम लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? पसंद कर दिया पहले अम्मी होना पता ही कोई नहीं, घर आले ने किया ही। देखे जी अभी दिल जो है वो धक धक कर रहा है क्योंकि घर जो है वो करीब आ रहा है। सियालकोट तकरीबन हम पहुंच चुके हैं, लेकिन सियालकोट के साथ ही एक विलेज है वहाँ के हैं लागपत जान के। सियालकोट जी हम पहुँच चुके हैं और ये सियालकोट की दूसरी साइड पे हम आ गए हैं, जैसे जैसे करीब जा रहे हैं दिल धक धक कर रहा है। क्यों अब जी? अब जी थोड़ा भी दिल धक धक कर रहा नहीं, मेरा तो सही गल है, मैं तो रात सारी नींद नहीं आई कसम से, मुझे वाकई में रात को नींद नहीं आई, मुझे पता था कि सुबह जाना है, तो यही सोच सोच के सुबह जाना है यार, सुबह जाना है। अबू कह रही अबू कह रहे तू ये कदा परेशान होना पे, कदा बीए दा पेपर है, मैं एमए दे पेपर ना भी तगड़ा है ये जो सबसे हाई क्लास पेपर होता है ना, उससे भी जो है हाई वोल्टेज पेपर है ये, हाई वोल्टेज। पता नहीं हुन किन्ने वार दा झटका लगता, क्यों जी? नहीं लगता पहुंच चुके हैं जी। मेरा तो दिल धक धक कर रहा है, बंद करो जी। मैं तो फिलहाल अभी गाड़ी में ही रहूँगा, अब्बू जान और अम्मी जान, हमारे ताया जान की बहू मतलब कि मेरी भाभी, वो जाएंगी साथ और साथ मोहसिन भाई हैं। फाइनली जी गाड़ी लेके हम जी वापस विलेज को जा रहे हैं, सियालकोट से हम तकरीबन बाहर निकल आए हैं। हाँ जी अब जी की बने हैं?
हजरात जरूरी ऐलान सुने, अनकरी सैकी जो है उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। अब जी ओके कर आए हो? सियालकोट जब आगे बैठे थे सारे, तब से जी मैं कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने कहा इन्होंने आके बताया जी काम ओके हो गया, बल्कि वो सारे मिल रहे थे मुझे, मुबारकबाद दे रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि लगता है काम हो गया, काम होके घर आए ने जी। ते ब्याह व्यू अजे नहीं होना, ब्याह अजे ते दिन लग जाने ने। क्यों बाबू जी? अजे दिन लगने, दिन लग जाने मुबारकबाद। क्या दसे हम किधर गए हुए थे? आप कोई किस चीज के लिए गए हुए थे? किस चीज के लिए गए थे? कोई चीज के लिए गए हुए थे? आप बताएं, हम मुबारक आपको दे या हां जो चिक्की बड़ा है रिश्ता दे हाय ने अम्मी यानी यो है तो लोग ही डन हो गए, डन हो गए कब दूसरा दिखा दे शायद 5-6 महीने बाद। हां मुबारक हो फिर, आज तो बड़ी तेर बाम शादी आन हुई है। मुबारक हो, खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। मुबारक करे भाई, आमीन आमीन। अगर फाइनल चंगा भला सर तू ही ओके घर छड़ी ते समझ लगो ओके है, भावे जो मर्जी होए बेशक। हाँ सारे आमीन। अभी फिलहाल जी मैं बहुत टेंशन में था, लेकिन सवर भाई आए हैं, ताया जान आए हैं, इन्होंने भी कहा है जी हर चीज ओके है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको पता जी टेंशन तो फिर होती है। तो अभी ताया जान का एक सवाल था कि कदों करनी है शादी, की सवाल है? बस हुण समझ लो हो गई गल कि गल ते अन्न की गई। ताया जान कह रहे हैं कि अभी क्या सिस्टम है, कब शादी होगी, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ। शादी हो सकता है 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं। क्यों जी? तो पहले भी हो सकती है, तो अभी मेन फोकस है जी ये वाला कमरा, ये अभी रेडी करना है, टारगेट सेट कर लिया हमने। क्यों था यार? बिल्कुल बिल्कुल टारगेट सेट हो गया। नीचे टाइल लगाएंगे हम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फर्श पे टाइल लगवाने वाली है, वॉशरूम में टाइल लगवाने वाली है, और 2-3 काम है ये करवा के फिर पूरे घर को जी पेंट करेंगे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो यही बात थी, मैंने इशारा दिया था आपको थोड़ा सा कि अनकरीब काम होने वाला, लेकिन आज हम गए थे, फाइनल हो गया इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। भी सुबह सुबह का नाश्ता किया और अब्दुल्ला भाई आज रेडी हो रहे हैं, आज स्कूल जाना अब्दुल्ला भाई ने है। आज क्या बात है, हुँ? आज सोमवार है, चले ना आज खूब स्कूल में पढ़ाई करो है। सबक वगैरह याद किया अब्दुल्ला भाई? आपने भी खाना खा लिया? मैंने नाश्ता कर लिया। क्या खाया? मैंने चोपड़ी की रोटी खाई है। चोपड़ी की रोटी खाई है, सही है। दो खाई है? दो ही खाई है। आए अब्दुल्ला भाई तेल लगा रहे हैं, ओए होए 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 पप शप। आज तो लगभग 6 साल आ गया है। अभी अब्दुल्ला भाई कैसा फील हो रहा है आपको? कितने दिनों के बाद स्कूल जा रहे हैं? 2 हफ्तों के बाद आए, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील होना यार, अच्छा फील होना। एक हफ्ते बाद फिर छुट्टियां पे, फिर छुट्टियां पे आएंगे। इस तरफ देखिए जी ताया जान फिर से रोटी खिला रहे हैं इनको डेली। चलो 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 लोटी पे आ गई है। ओप चो हो देखो का तब इनका नाम भी रख दे। सवेरे इन मैं खा रहा हूं सालन वाली रोटी। वो नहीं खा के मैं हूं दूसरी ले गया मैं, बंटी बबली बबलू हैं। व्लॉग जी एडिट हो चुका है,
आप सबके बहुत सारे मैसेज आएंगे जब व्लॉग अपलोड हो जाएगा। इस्लैंड भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जी अभी ये ऐलान करता हूँ, मैं सबको जी सब जो जो भी ये मैसेज करेगा मुबारक हो, सबको खैर मुबारक बोलता हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। थैंक यू सो मच। और खैर जी आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।